Hello friends, welcome back. I am Dr. Vikas Singh Ladoja. I am working as Associate Professor in Electrical and Electronics Engineering Department, TBS Engineering College, Ghaziabad. This college is affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Uttar Pradesh, Lucknow. In today's video, I will discuss about the short answer questions in EHVAC and DC. In this series, I will discuss about 10 or 11 questions in this video, and in next video I will also discuss about 10 to 11 questions. These questions are the short answer questions. They may be asked in 2 marks in the examination, or these questions may be asked in the interviews also. So let us start with the first question of this video. What are the advantages of कैस्केडेड ट्रांसफार्मर मेथड, यानी जो हमने कैस्केडेड ट्रांसफार्मर मेथड फॉर हाई वोल्टेज जनरेशन ऑफ एसी पढ़ा था, उसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं? सो उसका जो मेन एडवांटेज है, दैट है सिंगल यूनिट कंस्ट्रक्शन अगर लार्जर वोल्टेज प्रोडक्शन के लिए और हायर वोल्टेज प्रोडक्शन के लिए डिजाइन करें तो दैट बिकम्स डिफिकल्ट, एंड उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज फॉर द हायर वोल्टेज लेवल द इंसुलेशन प्रॉब्लम्स विल बी देयर इन दैट ट्रांसफार्मर. सो हायर वोल्टेज में सिंगल ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करने में हायर वोल्टेज के लिए प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए हम कैस्केडेड मेथड यूज़ करते हैं. सिमिलरली अगर एक ही ट्रांसफार्मर फॉर हायर वोल्टेज के लिए डिज़ाइन करेंगे देन उसको ट्रांसपोर्टेशन में इशू होगा, उसको इंस्टॉल करने में इशू होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कैस्केडेड ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, जिसमें हम स्मॉल स्मॉल साइज की यूनिट्स को कैस्केडेड मेथड में कनेक्ट करके हायर वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं. सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ कैस्केड मेथड, क्यों करते हैं ओवर अ सिंगल ट्रांसफार्मर. अदरवाइज ये कहते हैं कि हम एक ही ट्रांसफार्मर क्यों नहीं यूज कर सकते. देन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज के कौन कौन से टाइप्स हैं. जनरली अगर हम बात करें तो अभी तक हम अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो दो ही बोलेंगे, एक हाई वोल्टेज डीसी और हाई वोल्टेज एसी, बट उनके अलग अलग टाइप्स हैं. वन इज हाई वोल्टेज, हाई डीसी वोल्टेज, देन हाई एसी वोल्टेज हैविंग पावर फ्रिक्वेंसी, देन हाई एसी वोल्टेज जिस ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी, देन हाई ट्रांजिएंट और इम्पल्स वोल्टेज, जो इम्पल्स वोल्टेज जिसका ड्यूरेशन बहुत कम है, एंड देन नेक्स्ट टाइप है ट्रांजिएंट वोल्टेज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, जहाँ पर ड्यूरेशन कम थे. इम्पल्स वोल्टेज इज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एंड ट्रांजिएंट वोल्टेज इज फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन. देन कौन कौन से सर्किट्स हैं या कौन कौन से मैथड्स हैं दैट प्रोड्यूस हाई डी सी वोल्टेज, तो हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट, वोल्टेज डबलर, वोल्टेज मल्टीप्लायर एंड वांडी ग्राफ जनरेटर. ये सारे के सारे टॉपिक्स पिछले वीडियोस में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. देन ऑन व्हाट फैक्टर्स डज रिपल डेल्टा वी डिपेंड, ये रेक्टिफायर मेथड में रिपल्स का टॉपिक आता है. तो ये रिपल्स डिपेंड करते हैं ऑन सप्लाई वोल्टेज फ्रिक्वेंसी, ऑन टाइम कॉन्स्टेंट एंड रिएक्टेंस ऑफ सप्लाई ट्रांसफार्मर. ये जब हमने रेक्टिफायर वाला टॉपिक डिस्कस किया था वहाँ पर हमने इस रिपल्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ. देन हाउ द रिपल वोल्टेज कैप्ट लो, इसको कैसे कम रख सकते हैं, क्योंकि रिपल ज़्यादा होना हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है, तो रिपल्स को हमें कम रखना है. सो प्रॉपर चॉइस ऑफ फिल्टर कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर रिएक्टेंस, अगर इनका प्रॉपर सिलेक्शन हो देन वी कैन कीप दिस रिपल एज लो. देन रेजोनेंट ट्रांसफार्मर्स के कौन कौन से एडवांटेजेस हैं. फर्स्ट इज इट गिव्स आउटपुट विच इज ऑफ प्योर साइन वेव, पावर रिक्वायरमेंट कम होती है, हाई पावर आर्किंग नहीं होगी, एंड हैवी करंट सर्जेस अकर्स इफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट्स फेल, देन एज रेजोनेंस सीजेस एट द फेलियर ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट. नो हाई पावर आर्किंग मीन्स जब अगर सपोज कीजिए जो टेस्ट ऑब्जेक्ट है वो फेल हो जाती है तो कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, बिकॉज रेजोनेंस कंडीशन
नहीं होगी, तो इसलिए हाई पावर आर्किंग नहीं होगी या फिर शॉर्ट सर्किट कंडीशन नहीं होगी इफ टेस्ट ऑब्जेक्ट फेल्स, बिकॉज ना ये रेजोनेंट कंडीशन में काम करता है। तो जैसे ही टेस्ट ऑब्जेक्ट वर्क करना बंद करेगी या टेस्ट ऑब्जेक्ट फेल होगी, रेजोनेंस कंडीशन ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगी। तो फिर जो है इसलिए हाई पावर आर्किंग नहीं होगी इन केस ऑफ रेजोनेंट ट्रांसफार्मर। कैस्केडिंग भी कर सकते हैं फॉर जनरेटिंग वेरी हाई वोल्टेज, फॉर जनरेटिंग वेरी हाई। सिंपल एंड कॉम्पैक्ट टेस्ट अरेंजमेंट है एंड नो रिपीटेड फ्लैश ओवर अकर्स इन केस ऑफ पार्शियल फेलियर ऑफ द टेस्ट ऑब्जेक्ट, जो ये पहले ही बता चुके हैं, बिकॉज इट वर्क्स ऑन द रेजोनेंट कंडीशन। तो अगर टेस्ट ऑब्जेक्ट फेल होती है तो रेजोनेंट कंडीशन खत्म हो जाएगी। देन कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी स्टेज इम्पल्स जनरेटर, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? सो डीसी चार्जिंग सेट, चार्जिंग रजिस्टर, जनरेटर कैपेसिटर एंड स्पार्क गैप, वेव शेपिंग रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स, ट्रिगरिंग सिस्टम, वोल्टेज डिवाइडर्स एंड गैस इंसुलेटेड इम्पल्स जनरेटर। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मल्टी स्टेज इम्पल्स जनरेटर। देन डेफिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड स्विचिंग इम्पल्स वोल्टेज, सो इट कैन बी डिफाइंड बोथ बाई इंडियन स्टैंडर्ड एंड एज पर द IEC स्टैंडर्ड एज 250 टू 2500 माइक्रो सेकेंड वेव विद द सेम टॉलरेंस फॉर टाइम टू फ्रंट एंड टाइम टू टेल एंड दोज फॉर द लाइटनिंग इम्पल्स वोल्टेज वेव एंड टाइम टू हाफ वैल्यू ऑफ 2500 प्लस माइनस 500 माइक्रो सेकेंड। ये एज पर द IEC और इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्विचिंग इम्पल्स वोल्टेज की डेफिनेशन। सो देन इसेंशियल पार्ट्स ऑफ इम्पल्स करंट जनरेटर, इम्पल्स करंट जनरेटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं? DC चार्जिंग यूनिट, जो चार्जिंग यूनिट है दैट गिव्स वेरिएबल वोल्टेज टू कैपेसिटर वाइंड। देन कैपेसिटर ऑफ हाई वैल्यू कैपेसिटर जिसका इंडक्टेंस क्या हो लो। देन एयर कोर इंडक्टर ऑफ हाई करंट वैल्यू, प्रॉपर शंट एंड ऑस्किलोग्राफ फॉर मेजरमेंट पर्पस एंड ट्रिगरिंग यूनिट एंड स्पार्क गैप फॉर द इनिशिएशन ऑफ करंट जनरेटर। ये कुछ मेन कंपोनेंट्स हैं इंपल्स करंट जनरेटर के। देन इसके बाद जो नेक्स्ट है ट्रिगर्ट्रॉन गैप, इट कंसिस्ट ऑफ ए हाई वोल्टेज स्फेरिकल इलेक्ट्रोड ऑफ सुटेबल साइज, एन अर्थड मेन इलेक्ट्रोड ऑफ स्फेरिकल शेप एंड ए ट्रिगर इलेक्ट्रोड थ्रू द मेन इलेक्ट्रोड। ट्रिगेट्रॉन के बारे में हम अपने पिछले वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन डेल्टाट्रॉन सर्किट, डेल्टाट्रॉन और इंजेट्रॉन सर्किट, ये कैस्केडेड ट्रांसफार्मर HVDC जनरेटर सर्किट है। इट कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज कनेक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर बट डू नॉट हैव एनी आयरन कोर, स्टेज वन स्टेज टू एंड देन मॉड्यूल। दीज ट्रांसफार्मर आर कपल्ड बाई सीरीज कैपेसिटर्स, ये सीरीज कैपेसिटर है CS एंड कैपेसिटर CC इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू कंपनसेट मैग्नेटाइजिंग करंट, ये CC कैप ये कनेक्टेड है एंड दिस सर्किट इज लोडेड बाई ए टर्मिनेटिंग रेजिस्टर। ये दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द जनरेशन ऑफ इन जनरेशन ऑफ हाई वोल्टेज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो फिर से ये 10 या 11 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करूँगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रिलेटेड टू HVDC। तो उनको देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद द